हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक और केस स्टडी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ड्रामा टिकट। ये केस स्टडी सीबीएसई की साइट से डाउनलोड की हुई है, किसी बच्चे ने मेरे को भेजी थी। तो ड्रामा टिकट लास्ट ईयर एक कोई केस स्टडी है, कोई ड्रामा प्रोग्राम है, पहले उसके बारे में बताया हुआ है और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था। यहाँ पे पहले तो ड्रामा के बारे में बताया हुआ किस तरीके से क्या होता है। तो ड्रामा की जो टिकट है, पिछले साल 300 पीपल अटेंड द रविंद्रा मंच ड्रामा क्लब विंटर प्ले। तो विंटर का कोई प्रोग्राम हुआ था, ड्रामा हुआ था वहाँ पे, जिसमें लगभग 300 आदमियों ने क्या किया था, पार्ट लिया था। द टिकट प्राइस वाज ₹70। टिकट प्राइस कितना है? ₹70। द एडवाइज़र एस्टिमेट, जो सलाह देने वाला है वो अंदाज़ा लगा रहा है 20 fewer people, अगर 20 लोगों को कम कर दिया जाए या कम हो जाए। फॉर ईच ₹10 इंक्रीज, और ₹10 अगर हम पर टिकट बढ़ा दें तो क्या कंडीशन होगी। तो देखो, अगर हम पहले का हिसाब लगाना है तो 300 लोग थे और ₹70 थे, मल्टीप्लाई कर देंगे, लगभग ₹21,000 हो गए, ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहा है भाई, जो आदमी है ना वो अगर 20 कम हो जाते हैं किसी वजह से, ठीक है, तो हम अगर टिकट में ₹10 बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। तो मान लो भाई, 20 आदमियों का अगर एक ग्रुप है, तो मान लो 20 आदमियों के एक ग्रुप की हम वैल्यू ले लेते हैं एक्स, ठीक है। तो आदमी 20-20 के पेयर में अगर हम घटाएंगे तो 300 माइनस 20x, ठीक है भाई, 20 आदमी को घटाने की बोल रहा है, टोटल आदमी 300 है। तो 20-20 के जितने पेयर में अगर वो घटा रहा है, मान लो 20-20 के दो पेयर में घटा रहा है, तो 10-10 के दो पेयर वो बढ़ा दे रहा है, मतलब पैसे बढ़ा दे रहा है। तो आदमी हो गए इतने, फिर क्या बोल रहा है, जो प्राइस है वो 10 इंक्रीज़ कर रहा है। तो प्राइस अभी ₹70 है और जितने आदमी घटा रहा है, मान लो जितने पेयर घटा रहा है उतने ही रुपीज़ बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो ₹10 इंक्रीज़ कर रहा है उतने ही आदमियों के ऊपर। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालना है और ये हमारा एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसकी एक केस स्टडी पहले भी कराई हुई है सेम इसी टाइप की, वो भी आप देख सकते हैं, आई बटन को टैप करके उधर जाके ऊपर से देख सकते हैं। तो अब क्या करना है हमें, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से जो कॉमन निकल रहा है और इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको मैं निकाल लेता हूँ। तो दोनों में से 20 इसमें से निकल रहा है और 10 उसमें से निकल रहा है। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारा, 15 बच गया। 20 अगर 30 में से कॉमन निकलता है तो 0 की 0, और 20 में से 15 बचता है तो माइनस एक्स, और यहाँ से 10 लिया तो 7 प्लस एक्स, ये वैल्यू बच जाती है। अब 20 और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 हो गया, और 15 की मल्टीप्लाई मैं पूरी इक्वेशन के साथ करता हूँ, 7 प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 7 प्लस एक्स, पहले 15 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ, फिर एक्स की मल्टीप्लाई पूरे के साथ, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बाहर रह गया हमारा 200, और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 जा 105 प्लस 15x, फिर माइनस 7x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 200 और यहाँ पे हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का, मैं आगे लिख लेता हूँ, 15 में से 7 का कितना बचा, प्लस का 8x, और हमारा बच गया प्लस 105, ठीक है। पहली वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस 200 और फिर एक्स स्क्वायर और प्लस, अब 8 प्लस का था, मैं इसको इरेज करता हूँ, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x माइनस 105, ये वैल्यूज़ हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करेंगे। माइनस 200 और इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इसके फैक्टर बनाएंगे, तो मिडल टर्म नहीं स्प्लिट करना हमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab यहाँ बनाएंगे, माइनस 2 इंटू ए की जगह हो गया x और b की जगह बचा 4, यानी 8x का ये बना दिया हमने। अब b की जगह 4 आ रहा है तो 4 का स्क्वायर प्लस कर देंगे और 4 का स्क्वायर ही माइनस कर देंगे, और माइनस 105, ठीक है। अब 12 है माइनस 200 और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया ये हमारा, ठीक है। और आगे जो बचा उसको हम सॉल्व कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो माइनस 16 और माइनस 105 ये बन गया। अब 200 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
इधर कर लेते हैं, ये माइनस 200 इंटू एक्स माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, और फिर माइनस इन दोनों को हम प्लस करेंगे 105 और 16 को, तो ये आ जाएगा हमारा 121। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, तो माइनस 200 इंटू एक्स माइनस 4 इसका स्क्वायर और प्लस ये होता है हमारा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट जितना 2 × 2 = 4 × 2 = 2 × 2 = 0। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब x में से हम कितना माइनस करें तो 0 हो जाए, तो x में से 4 माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हमें जो पता चलेगा भाई मैक्सिमम जो है x वो कितना हो गया, 4 हो गया, और पैसे कितने बच रहे हैं हमारे को लगभग ये 24200 इतने रुपीज़ बच सकते हैं। तो मैक्सिमम इतना प्रॉफिट हो सकता है और चार पेयर्स जो हैं वो हम कर सकते हैं 20-20 के कम। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि भाई कितनी इसकी जो सेकंड क्वेश्चन था, इफ़ द ड्रामा क्लब राइज द टिकट टू प्राइस हाउ मच इनकम शुड इट एक्सपेक्टेड ब्रिंग इन। तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे 70 + 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 4, तो 10 × 4 = 40, 70 + 40 = 110 ये आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाली केस स्टडी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।